तो दोस्तों आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफी ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है, तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। काइन मास्टर अप्लीकेशन ओपन करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मीडिया पे आते हैं और इसके बाद वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देंगे। वीडियो हमारा यहाँ पर रॉन्ग साइड शूट किया गया है, सबसे पहले वीडियो क्लियर पर क्लिक करते हैं, रोटेट पे क्लिक करेंगे और इसे आपको रोटेट कर देना है कुछ इस तरह से। आपको वीडियो देखना है हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने जो कुछ इस तरह से शूट किया हो, तो आपको भी कुछ इस तरह से ही शूट कर लेना है। जैसे कि देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से वीडियो को शूट किया हूँ, कुछ इस तरह से देखा हूँ, हाथ ऊपर की तरफ किया हूँ और यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट जो लेफ्ट साइड का है उसे रिमूव कर देंगे, तो ट्रिम टू राइट कर देना है, सॉरी ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है और आपको देख सकते हैं हमारा ये वीडियो यहाँ तक खत्म हो रहा है, यानी कि 12:5 के आसपास खत्म हो जा रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमने जो शूट किए थे कुछ इस तरह से शूट किए थे, तो आपको भी कुछ इसी तरह से वीडियो को शूट कर लेना है। तो सिंपल है वीडियो, आप बिल्कुल आसानी से शूट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में आपको करना क्या है, जहाँ पर आप खड़े थे फर्स्ट पार्ट में उसके सामने आपको खड़ा नहीं होना है, कुछ राइट साइड आपको खड़ा हो जाना है कुछ इस तरह से, और वहाँ से आपको कुछ इस तरह से चलकर आना है कैमरे के सामने। तो यहाँ से हम देख सकते हैं चलने के स्टार्ट करता हूँ। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। तो मैंने जो सेकेंड पार्ट का वीडियो शूट किया था कुछ इस तरह से शूट किया था, कैमरा के सामने कुछ इस तरह से आपको आ जाना है कुछ इस तरह से एडिटिंग करते हुए, और यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट एस लेयर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, इस वीडियो को आपको प्रेस करके रखना है और लास्ट पॉइंट पर लेकर आ जाना है। अब देख सकते हैं वीडियो में जैसे हम रोटेट किए थे तो रॉन्ग रोटेट यहाँ पे हो चुका है, तो इसे हम फिर से हमें एक बार रोटेट करना पड़ेगा। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से आपको इस वीडियो को हमें रोटेट करना है। रोटेट कर चुका हूँ, वीडियो पर क्लिक करेंगे और देखना है आपको वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करते हैं और इसको आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्रॉप का, क्रॉप को कुछ इस तरह से आपको यहाँ से क्रॉप कर देना है। ठीक है, क्रॉप करने के बाद इस वीडियो पे आपको प्रेस करके रखना है, कुछ इस तरह से आपको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं सबसे पहले इसे फुल स्क्रीन में कर देता हूँ, कुछ इस तरह से आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, फिर से हमें थोड़ा सा हल्का और क्रॉप करना पड़ेगा, तो हम फिर से हम क्रॉप कर लेते हैं कुछ इस तरह से। आपको जो आपका जो बड़ी जो दिख रहा है बड़ी आपको दिखना चाहिए सिर्फ, तो जूते तक का मैं क्रॉप कुछ इस तरह से कर देता हूँ। इसके बाद डन करते हैं। जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो फाइनली वीडियो आपका कुछ इस तरह से प्ले हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि वीडियो ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में आपको कुछ पार्ट बैकग्राउंड का जो पार्ट है, इस पार्ट में एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है, तो एक्स्ट्रा पार्ट को कुछ पार्ट को आपको ट्रिम टू लेफ्ट कर देना। अब वीडियो को हम प्ले करेंगे तो आपका वीडियो फाइनली कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करते हैं और यहीं तक आपका पार्ट चाहिए तो यहाँ पे हम स्पीड टू प्ले हिट कर देते हैं। इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और इस वीडियो को हमारा कोई काम नहीं है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, इस वीडियो को भी हमारा काम हो चुका है तो फाइनली इसे भी हम डिलीट करते हैं। और इस पार्ट में आपका कुछ पार्ट चाहिए, जैसे कि आपको डरने की एक्टिंग करते ये पार्ट आपका चाहिए, तो कुछ इस तरह से आपको भी लास्ट का पार्ट शूट करना है। कैमरे के सामने आना है, सबसे पहले लेफ्ट साइड का पार्ट को रिमूव करता हूँ। कैमरे के सामने आना है, कुछ इस तरह से आपको डरने का एक्टिंग कर लेना है। लास्ट को जो पार्ट एक्स्ट्रा है इसे हम ट्रिम टू राइट करते हैं और स्टार्टिंग का पार्ट आपको देखना है कहाँ से आप डरने की एक्टिंग करते हैं। यहाँ से आप डरने की एक्टिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा पार्ट जो लेफ्ट साइड का है उसे हम ट्रिम टू राइट करते हैं। मीडिया पे आएंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको डाउनलोड करना है और वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो अजय देवगन का सीन है, जो सिंगम मूवी का कुछ सीन कट किया गया है, तो उस सीन को आपको यहाँ पर लेकर आना है।
वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे और राइट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू राइट करेंगे। तो मैं आपको कुछ इस तरह से ट्रिम टू राइट भी कर देता हूँ। जब हम फाइनली वीडियो को प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो मैं एक बार प्ले कर कर दिखा देता हूँ। जब आप फाइनली वीडियो आपका एडिट हो जाएगा तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, सिंपल सेलेक्ट करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है, वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, इसे डिलीट करना है। यहाँ पे साउंड भी ऐड हो चुका है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट ऑफ करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एच डी 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट।